राज्य शिक्षण विभाग द्वारा फॉर्म भरवानी तारीखों जाहिर करवामां आवी। जाहेरात अनुसार आज थी परीक्षार्थीओना ऑनलाइन फॉर्म भरवाना आवशे। 30 दिवस सुधी ऑनलाइन फॉर्म भरी शकाशे। धोरण 12 सामान्य प्रवाह अने व्यवसाय लक्षी प्रवाहना फॉर्म भरवानी तारीख जाहिर कराई। अमदावादनी एसवीपी होस्पिटलमां रेसिडेंट डॉक्टरो विरोध कर्यो। होस्पिटलमां मा कार्ड सहितनी सरकारी योजना बंद कर देवामां आवता तबीबोए विरोधमां रस्ता पर उतर्या। रेसिडेंट डॉक्टर्से आरोप लगाव्यो के मा कार्ड बंद कर देवामां आवता गरीब दर्दीओ सारवार विना परत जवा मजबूर बन्या। मा कार्ड के अन्य कोई पण कार्ड शरू नहीं कराता दर्दीओमां नाराजगी जोवा मळी अने तबीबोनी मांग छे के मा कार्ड तेमज सरकारी योजनाओ ताकीदे शरू कर देवामां आवे। वडोदराना भायली विस्तार में रहता रहीशोए अशांत धारा नियमों लागू करवानी मांग साथे जिला कलेक्टर ने आवेदन पत्र आपी रजूआत करी छे। वडोदरा शहर कोर्पोरेशन में हाल में ज समाविष्ट थयेल भायली में टीपी नंबर 1-5 सुधीना विस्तार में राज्य सरकार द्वारा सरकारी आवास योजना हेठ विद्यार्थीओ ने आवासों की फाळवणी करवामां आवी जेना कारणे विस्तार रहीशो भायली विस्तार में कायमी धोरणे सुख शांति और सलामती जळवाई रहे तेवी मांग साथे अशांत धारो लागू करवानी मांग करी छे। कोरोना काल में हेल्थ वर्करे 24 कलाक सेवा आपी तेना माटे तेमने सरकारे बिरदाव्या पण खरी तेमनी प्रशंसा पण करी परंतु आजे पण आ हेल्थ वर्करोने तेमनुं वेतन चूकवामां नथी आव्युं। आ वात अमदावादनी छे ज्यां कोर्पोरेशननी होस्पिटलो सहित सरकारी होस्पिटलोमां कोई पण प्रकारनुं वेतन चूकवामां नथी आवतुं तेथी हेल्थ वर्करो भारे नाराज थया। राजकोट जिल्लाना धोराजी तालुकाना खेडूतोए सरकार टेकाना भावे धाणानी खरीदी माटे केन्द्र शुरू करे तेवी मांग। धोराजीमां टेकाना भावे खरीद केन्द्र आपवामां आवे तो खेडूतोने अन्य जग्याए धाणा वेचवा न जवू पड़े जेथी समयनी साथे ट्रांसपोर्ट खर्च पण बची शके। सुरेन्द्रनगरना लखतरमां D3 केनाल उभराता खेतरोनी हालत कफोड़ी बनी। लखतरवणा रोडथी नजीक निकळती आ केनाल उभराई जता आसपासना खेतरोमां पाणी फरी वळ्या हता। अमदावादना धंधुका तालुकाना फेदरा गाममांथी पसार थती नर्मदानी माइनोर केनाल बनाववामां तो आवी परंतु 7 वर्षमां केनालमां एक पण वार पाणी छोड़वामां नथी आव्युं तेम छतां केनाल जर्जरित थई गई छे। हाल मरचानी सीजन शुरू थई चूकी छे। मार्केटिंग यार्ड मरचाथी उभराई रह्या छे जेने पगले गृहिणीओए पण मरचू भरवानी शुरुआत करी। आ वर्षे लाल मरचाना पाउडरना भावमां प्रति किलोए 100-200 सुधीनो भाव वधारो थता गृहिणीओ मरचाना लाल रंग साथे भावनी तीखाश आंखमां पाणी लावी रही छे। दिल्ली मुंबई नेशनल ग्रीन कॉरिडोरनुं निर्माण कार्य चाली रह्युं छे त्यारे कॉरिडोर माटे पंचमहाला कालोल तालुकानी जमीन संपादित थई जो कि हजु सुधी खेडूतोने तेमनी जमीननुं वळतर नथी मळ्युं। अमदावाद मुंबईनी वच्चे दौड़नार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्टनी शुरुआत थई चूकी छे। वलसाड जिल्लामां प्रोजेक्टना प्रथम पाया नाखवामां आव्या। अंडर गोटा गाममां युद्धना धोरणे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्टनी कामगीरी करवामां आवी रही छे। बिल्डिंगना रॉ मटीरियलना वधता अभावने कारणे आजे गुजरात बिल्डर एसोसिएशन हड़ताल पर। अमदावादमां गुजरात बिल्डर एसोसिएशने कलेक्टरने आवेदनपत्र आप्यु अने बिल्डिंग माटे वपराता विविध मटीरियलना भावमां नियंत्रण लावानी मांग करी। महत्वनुं छे के स्टील सीमेंट डामर डीजलना भावमां पण लॉकडाउन पछी सतत वधी रह्या छे तेथी बिल्डिंगना कॉस्टिंगमां 15-20% वधारो थयो छे। वडोदरामां बिल्डरोए कलेक्टरने आवेदनपत्र आप्यु अने बिल्डिंगना रॉ मटीरियलमां सतत थई रहेला भाव वधारथी बिल्डरोमां रोष अने भाव नियंत्रणमां लावानी मांगणी करवामां आवी तेथी हवे तेमणे आ माटे शस्त्र ઉગામ્યું છે। સ્ટીલ સિમેન્ટના ભાવમાં વધારો થતા આજે બિલ્ડરોની રાષ્ટ્રવ્યાપી એક દિવસીય હડતાલ। સુરતમાં આજે મોટી સંખ્યામાં બિલ્ડરોએ ભાવ વધારાનો વિરોધ કર્યો। सीमेंट और स्टील ना भाव वधता समय बिल्डरो आज हड़ताल पर त्यारे राजकोट में 750-800 जेटली कंस्ट्रक्शन साइट बंद करवामां आवी। बिल्डर एसोसिएशन मानवुं छे कि सीमेंट और स्टील कंपनीओ अचानक ज कृत्रिम तंगी उभी करी भाव वधारो छींकी दीधो छे। स्टील सीमेंटना भावमां वधारो थता आज बिल्डरोनी राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय हड़ताल। गांधीनगरमां पण बिल्डरोए विरोध दर्शाव्यो। अनेक बिल्डरोए कंस्ट्रक्शन साइट बंद राखी विरोध कर्यो हतो। ગુજરાતના ખેતરોમાં હાઈ ટેન્શન વીજ લાઇન નાખવાના પરિપત્ર મુદ્દે ખેડૂત એકતા મંચે રજૂઆત કરી। વીજ લાઇન પેટે ખેડૂતોને ચૂકવવામાં આવતા વળતરમાં અન્યાય થતો હોવાનો સાગર અબારી આક્ષેપ કર્યો છે। સુરતમાં માનેલી બહેની દીકરીને હવસનો શિકાર બનાવનાર ઢોંગી ભૂવાની પોલીસે કરી ધરપકડ। ભોગ બનનાર યુવતી ઢોંગી ભૂવા બિપિન સોંધરવાને મામા માનતી હતી।
ભરૂચમાં બાઇક અકસ્માતની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ, અનેક વાહન ચાલકો માટે ચેતવણી સમાન આ કિસ્સો. અયોધ્યામાં ભવ્ય રામ મંદિર બનાવવા માટે નિધિ એકત્ર કરવાનું અભિયાન ચાલી રહ્યું છે. સુરતમાં 11 વર્ષની દીકરીએ 50 લાખ રૂપિયા મંદિર નિર્માણ માટે અર્પણ કર્યા. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે. લોકોના મનમાં અનેક સવાલોએ ઘર કર્યું છે. ગત 5 વર્ષના સમયગાળામાં ન ઉકેલાઈ તે સમસ્યા હવે ઉકેલાશે કે કેમ.